नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज हम स्नैपड्रैगन 665 जो कि मी ए 3 और रियलमी 5 में लॉन्च हुआ है, और स्नैपड्रैगन 660 जो कि कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था या फिर एक साल पहले लॉन्च हुआ था, उसके बारे में बात करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली 660 और 665 दोनों में से तो ऑब्वियसली 665 भी बेहतर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं भी पहले सोचता था कि स्नैपड्रैगन 665 बहुत ही बेहतर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये वीडियो आगे तक देखते रहिए और मैं प्रूव कर दूंगा कि स्नैपड्रैगन 665 क्यों बेहतर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट वर्ल्ड चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहले हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन 665 जो कि अभी लॉन्च हुआ है। ये प्रोसेसर 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, और स्नैपड्रैगन 660 जो कि बहुत ही पुराना प्रोसेसर है वो 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। मैंने पहले के वीडियो में इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये जो नैनोमीटर है जितना कम होता है उतना ओवरहीट कम होता है, उतना परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, उतना स्पीड ज़्यादा होता है, और उतना एक काम करने में कम वक्त लगता है। तो एक लाइन में कहें तो परफॉर्मेंस इंक्रीज और लेस हीट जनरेट होता है। तो इसी हिसाब से स्नैपड्रैगन 665 बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहिए। अब इसके जीपीयू के बारे में बात करें, मतलब ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें, तो स्नैपड्रैगन 660 में एड्रीनो 512 और स्नैपड्रैगन 665 में एड्रीनो 610, मतलब बहुत ही हाई एंड और लेटेस्ट गेमिंग जीपीयू है। तो आप तो जानते हैं कि दोनों प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को देखने के लिए सबसे बेहतर उपाय है बेंचमार्क स्कोर। आज हम 3 बेंचमार्क स्कोर को देखेंगे और जानेंगे कि कौन सा प्रोसेसर बेहतर है। सबसे पॉपुलर जो बेंचमार्क स्कोर वो है antutu बेंचमार्क। अगर antutu बेंचमार्क की बात करें तो स्नैपड्रैगन 665 का स्कोर है 140,000 के आसपास, और ये स्कोर एग्जैक्टली रियलमी 5 से लिया गया है। अगर हम स्नैपड्रैगन 660 जो कि बहुत महीने पहले लॉन्च हुआ था उसके antutu स्कोर की बात करें तो उसका स्कोर है 145,000 के आसपास, जो कि Redmi Note 7 S में है। तो आप देख सकते हैं कि एक पुराना प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 660 ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है antutu स्कोर में। आप ऐसा कह सकते हैं कि antutu स्कोर से कोई भी प्रोसेसर का एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। तो चलिए एक और बेंचमार्क को देखते हैं। दूसरा बेंचमार्क है geekbench। यहाँ पर हम सिंगल कोर और मल्टी कोर के परफॉर्मेंस को देखेंगे। अगर स्नैपड्रैगन 665 के सिंगल कोर के परफॉर्मेंस देखें तो वो है 1512, और स्नैपड्रैगन 660 के सिंगल कोर के स्कोर देखें तो वो है 1632। तो आप देख सकते हैं कि सिंगल कोर में भी स्नैपड्रैगन 660 बेहतर है। मल्टी कोर की बात करें तो geekbench में मल्टी कोर स्कोर है स्नैपड्रैगन 665 के 5617, और स्नैपड्रैगन 660 के मल्टी कोर स्कोर है 5825। तो देखिए मल्टीकोर में भी बेहतर है स्नैपड्रैगन 660। मैं अभी भी मानता हूँ कि दो बेंचमार्क स्कोर में लकीली स्नैपड्रैगन 660 जीत चुका है। तो हम एक तीसरा बेंचमार्क को देखेंगे जिसका मेन पर्पस होता है एक स्मार्टफोन, मतलब एक प्रोसेसर के जो जीपीयू है वो कितना पावरफुल होता है। तीसरा बेंचमार्क का नाम है 3DMark बेंचमार्क। तो 3DMark बेंचमार्क में स्नैपड्रैगन 665 स्कोर किया है 1081 और 1051, लेकिन स्नैपड्रैगन 660 स्कोर किया है 1356 और 1303। तो आप देख सकते हैं कि सिंगल कोर, मल्टी कोर, जीपीयू, सीपीयू, हर एक मामले में, मतलब एक भी बेंचमार्क में स्नैपड्रैगन 665 बिल्कुल भी नहीं जीत पाया। तो स्नैपड्रैगन 665 ऐसा हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 660 से एक लोअर वर्जन प्रोसेसर है, लेकिन क्वालकॉम कंपनी ऐसा एडवर्टाइज कर रहा है कि ये पिछले जनरेशन से इतने परसेंट या फिर उतने परसेंट ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, स्नैपड्रैगन 660 से ये बहुत ही लोअर वर्जन प्रोसेसर है। तो यही कारण है कि जो Realme 5 है उसका प्राइस 10,000 के अंदर लॉन्च हुआ है, क्योंकि एक साल पहले जब Realme 2 Pro लॉन्च हुआ था जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें स्नैपड्रैगन 660 है, जो कि बहुत ही बढ़िया गेमिंग या फिर दूसरे टास्क आसानी से कर लेता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर Qualcomm कंपनी जो यूज़र है उन्हें बेवकूफ बना रहा है और ऐसा कह रहा है कि पिछले जनरेशन से ये बेहतर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्नैपड्रैगन 660 से बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि स्नैपड्रैगन 665 बेहतर आर्किटेक्चर पे बना है,
या फिर बेहतर जीपीयू इसमें, लेकिन इसका स्कोर बिल्कुल भी ज्यादा नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।